नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। फटाफट खबरों के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर हमारे साथ। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 3 जून 2020 को प्रातः 6 बजे से 4 जून के प्रातः 6 बजे तक कोविड 19 के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत गत 24 घंटों में बस द्वारा आए प्रवासी मजदूरों की संख्या 165, रेल द्वारा 286, कुल 451 प्रवासी मजदूर आए हैं, जिसमें से आजमगढ़ के 396 तथा अन्य जनपद के 55 प्रवासी मजदूर आए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 152,286 प्रवासी मजदूर जनपद में आए हैं, जिसमें रेल व बसों द्वारा 97,755 व अपने साधन से या अनौपचारिक माध्यम से 54,531 प्रवासी मजदूर जनपद में आए हैं। इस बाबत क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज सुबह 6 बजे तक गिनते हैं, टोटल 451 प्रवासियों का जनपद में आगमन हुआ है, जिसमें कि गैर जनपद का हटा दें तो जनपद हेतु 396 प्रवासी आए हैं, बाकी को अपने गंतव्य जनपदों में बसों के माध्यम से भिजवा दिया गया है। कुल संख्या अब तक 152,286 हो चुकी है। कंटेनमेंट जोन हमारे 24 घंटे पहले 45 थे, 3 पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं, तो 48 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। कुल पॉजिटिव केसेस 24 घंटे में 2 आए हैं। हमारे पास रिपोर्ट 2011 की आई थी, जिसमें 2 पॉजिटिव थे और 209 नेगेटिव आए हैं। जो डिस्चार्ज हमारे अब तक केसेस हुए हैं 25 हुए हैं, तो इस तरह एक्टिव केसेस हमारे पास 97 हैं, जो कि L1 हॉस्पिटल जो हमारा डेंटल मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी डेवलप की है उसमें 51 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। L3 हॉस्पिटल में 46 पेशेंट्स हमारे एडमिट हैं इस वक्त। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इकाई बुढ़नपुर की तत्वाधान में अतरौलिया पूर्व के पोखरे शिव मंदिर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पूर्व तहसील अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह की तृतीय पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संगठन मंत्री नरेंद्र नाथ पांडे ने सर्वप्रथम स्मृति से स्वर्गीय धीरेन्द्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की और कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है, यह समाज में बढ़ रही बुराइयों के साथ साथ समाज को नई दिशा देने का काम करता है, जिससे एक स्वच्छ समाज का निर्माण होता है। पूर्व तहसील अध्यक्ष की पुण्यतिथि पर ईजा के कोषाध्यक्ष द्वारा वचन लिया गया कि जो भी पत्रकार भाई या ऐसे लोग होंगे जिनके सामने परेशानी होगी, ज्ञान सागर जनसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 10,000 या 20,000 की मदद की जाएगी। कार्यक्रम के आयोजक आशीष निषाद ने आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लॉकडाउन भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन विस्तारित किए जाने के संबंध में जनपद में कतिपय गतिविधियां सशर्त अनुमन्य की गई है। उन्होंने कहा कि दिनांक 3 जून 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के निजी लैब में प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम घाटी पट्टी तहसील सदर तथा राजस्व ग्राम राजेपुर तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम नथमलपुर उर्फ विशंबरपुर तहसील लालगंज में एक एक व्यक्ति के कोविड 19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मजरा विश्वकर्मा बस्ती राजस्व ग्राम घाटी पट्टी तहसील सदर, मजरा चौहानपुरवा राजस्व ग्राम राजेपुर तहसील लालगंज, मजरा अनुसूचित जात बस्ती नथमलपुर उर्फ विशंबरपुर तहसील लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। पूर्व में 45 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं, अब इस प्रकार कुल 48 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक जनपद में कुल 48 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें गत 24 घंटों में 3 कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, तो वह भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक कुल 125 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें गत 24 घंटों में नए 2 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वर्तमान समय में 97 एक्टिव केस हैं, 25 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 3 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 97 कोरोना मरीज एक्टिव हैं, जिसमें से 51 मरीज को L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, तो वहीं 46 मरीज को L3 अस्पताल PGI चक्रपानपुर में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 32 क्वारंटाइन सेंटर हैं, जिसमें 326 व्यक्ति रुके हुए हैं एवं सभी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था संचालित है। 13 फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में 195 व्यक्ति,
छह इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 33 व्यक्ति एवं 13 आश्रय स्थलों में 98 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि कुल 88 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। गत 24 घंटों में 211 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है, 209 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है एवं अभी भी 572 जांच रिपोर्ट प्रतीक्षारत हैं। उन्होंने बताया कि L1 एवं L3 अस्पताल में भर्ती 62 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का द्वितीय सैंपल जाँच के लिए गोरखपुर लैब में भेजा गया है। इस बाबत क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। टोटल पॉजिटिव केसेस जनपद आजमगढ़ में 125 हैं, जिसमें से कि 97 एक्टिव हैं अभी इस वक्त। और L1 फैसिलिटी हमारी डेंटल मेडिकल कॉलेज में, जिसमें 51 पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं। और L3 फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज में 46 व्यक्ति वहाँ पर हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में हमारे पास टोटल 211 जो हमने टेस्ट रिपोर्ट सैंपल्स भेजे, 211 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 2 पॉजिटिव पाए गए हैं और 209 नेगेटिव पाए गए हैं। 572 हमारी रिपोर्ट अभी आनी बाकी हैं, तो जैसे जैसे आएगी हम उसको अवगत करा देंगे। कल हमने 88 सैंपल्स भेजे हैं फर्दर टेस्टिंग के लिए, जो कि संदिग्ध पाए गए या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, जो कि कोरोना पॉजिटिव जो हमारे आ रहे हैं लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए हैं। जनपद में सर लगातार इस तरह संक्रमण बढ़ रहा है, इसको लेकर सर प्रशासन किस तरह की एहतियात? इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे होम क्वारंटीन है उसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं कि होम क्वारंटीन तरीके से हम लोग एनफोर्स कर पाएं। साथ में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद निकलता है उसकी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है और उनके भी सैंपल टेस्ट करके उनको BRD मेडिकल कॉलेज और अब तो PGI में हमारे पिछले 3 दिनों से जा रहे हैं, वहाँ पे भेज रहे हैं। और जिनके सैंपल्स भेजे जाते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आते हैं उनको हम अपनी फैसिलिटीज़ हैं फैसिलिटी क्वारंटीन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखते हैं और वहाँ पर उनकी व्यवस्था रखते हैं। COVID-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में देर सांय कलेक्ट्रेट सभागार में राहत पोर्टल पर जनपद में आए हुए प्रवासी मजदूरों का डाटा फिटिंग के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा राहत पोर्टल पर जनपद में आए प्रवासी मजदूरों की फीड की हुई डाटा की तहसीलवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि राहत पोर्टल पर प्रवासी मजदूरों का डाटा फीडिंग अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में आए हुए प्रवासी मजदूरों का डाटा राहत पोर्टल पर जल्द से जल्द फीड कर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। डाटा फीडिंग कराने के लिए उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाकर युद्ध स्तर पर राहत पोर्टल पर डाटा फीड कराने का कार्य पूर्ण कराएं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त SDM को यह भी निर्देश दिए कि डाटा फीडिंग करते समय प्रवासी मजदूरों का आधार नंबर, खाता संख्या, IFC कोड व स्किल मैपिंग में विशेष सावधानी रखें, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। जनपद में कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार तत्पर दिख रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वे जनपद के कंटेनमेंट जोन व हॉटस्पॉट का समय समय पर निरीक्षण कर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहते हैं, तो वही व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में जुटे हैं। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जनपद के विभिन्न कंटेनमेंट जोन का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां उपस्थित सुविधाओं व कर्मियों को कमियों को बारीकी से जानने की कोशिश की। इसी क्रम में आज कंटेनमेंट जोन ग्राम चमावा फूलपुर, रामबचन यादव महाविद्यालय फार्मेसी फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर खुरासो फूलपुर, फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज आश्रय स्थल दाऊदपुर निजामाबाद, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल रोवा निजामाबाद फैसिलिटी सेंटर, कंटेनमेंट जोन तेलीपुर निजामाबाद का निरीक्षण किया है। योग गुरु देवविजय यादव ने समस्त रिक्रूट आरक्षी को कोरोना महामारी जैसे प्रकोप में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योगाभ्यास कराया। इस योग शिविर का आयोजन DIG सुभाष चंद्र दुबे के निर्देशानुसार प्रत्येक रविवार और
बुधवार को किया जा रहा है, जिसमें जनपद के ख्याति प्राप्त योग गुरु देवविजय यादव के सानिध्य में समस्त आरक्षियों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जागरूक करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छी तरह से बनाए रखते हुए योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उद्दीत प्राणायाम आदि का अभ्यास कराया गया। इस कड़ी में जवानों को फिट रहने के लिए व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, तड़ासन, कटिचक्रासन आदि का अभ्यास भी कराया गया। योग गुरु ने बताया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए योग प्राणायाम हर व्यक्ति को हर रोज करना चाहिए। समस्त आरक्षियों को सुबह सुबह योग और उचित दिनचर्या एवं आहार विहार के साथ जीने का संकल्प दिलाया। साथ ही साथ योग गुरु ने जवानों को फिट रखने व इम्यून सिस्टम को फिट रखने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कराया। जैनपुर थाना क्षेत्र के जैनपुर आजमगढ़ मुख्य मार्ग पर प्रियांशु हॉस्पिटल के सामने दो ट्रकों के बीच में आने से बुलेट सवार दीवान की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शैलेंद्र विश्वकर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा निवासी कसली थाना बरहा जनपद देवरिया का निवासी और 2016 बैच का सिपाही है, जो जौनपुर जनपद के शाहगंज में तैनात था। 3 दिन की छुट्टी लेकर बुलेट से अपने घर गया हुआ था। वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा था कि सुबह 7:30 बजे जैनपुर प्रियांशु हॉस्पिटल के सामने मुख्य मार्ग पर दो ट्रकों के बीच में आ गया, जिसे गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर जैनपुर कोतवाल गजानंद चौबे ने मौके पर पहुंचकर सिपाही को आजमगढ़ शहर के वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां 11:30 बजे के करीब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक शैलेंद्र विश्वकर्मा अपने 3 भाइयों में बीच में था, जिसका विवाह 7 मार्च 2020 को हुआ था। अभी कोई पुत्र नहीं था। उसकी माता लालती देवी और पत्नी अंजलि का घर पर रो रोकर बुरा हाल है। सिधारी थाना क्षेत्र के ग्राम सुरसी में 2 भाइयों के जमीन के विवाद ने मामला तुल पकड़ लिया है। एक पक्ष द्वारा अपने घर में और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा देने के बाद पुलिस द्वारा उसे हटवाने की अवैध दबाव जारी है। एक पक्ष द्वारा जमीन और घर बंटवारे के संबंध में दीवानी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। उसके बाद भी दबंग इस किस्म के लोगों द्वारा पति पत्नी को लगातार धमकी दी जा रही है कि आप लोग रास्ते से हट जाइए, आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। वही जमीन के विवाद में कुछ भूमाफिया भी लग गए हैं, उसकी जमीन बिस आने के चक्कर में लगे हैं। दूसरा पक्ष लखनऊ में रहता है और वहाँ टीचर है, अपनी जमीन और मकान की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। उसी कैमरे को हटवाने के लिए लगातार उसके ऊपर दबाव दिया जा रहा है। तो वही दूसरे पक्ष का कहना है कि जब तक कोर्ट में से फैसला नहीं आता है, तब तक हम कैमरा और जमीन इसी तरह रहेगी, इसमें कोई निर्माण नहीं करेगा, जो भी फैसला देगी उसका हम स्वागत करेंगे। जमीन की कीमत लगभग करोड़ों रुपए में है, उसी जमीन पर सबकी निगाह लगी हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा राय है, मैं सुरसी गांव की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम भानु प्रताप राय है। जी, समस्या क्या है यार? समस्या ये है सर कि हमारे जगह जमीन है, जो 2 भाई हमारे हस्बैंड हैं, एक राणा हरवर्धन राय जी हैं और दूसरा भानु प्रताप राय जी हैं। तो बंटवारा लोग चाह रहे हैं, तो बंटवारा का मतलब है कि चलिए ठीक है बंटवारा, लेकिन हमारे जो जेठ जी हैं वो ज़मीन अपनी कुछ बिना हमको बताए बेच दिए हैं। तो वो मुकदमा चल रहा है, प्लस बंटवारा का भी मुकदमा हम डाल दिए हैं। लेकिन परिणाम स्वरूप ये हमको मिल रहा है कि हमको पुलिस स्टेशन दबाव बन रहा है कि आप आइए बंटवारा करवा लीजिए, ये करवा लीजिए। जब हम मुकदमा डाल चुके हैं तो पुलिस वाले क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? और उनका कहना है कि हम घर में उनको आने नहीं दे रहे हैं, आप हमारे घर में आइए, यहाँ 2-4 लोग काम करते हैं, जो भी हैं किसी से भी पूछ लीजिए, आदमी खुद बताएगा कि खुद ही नहीं आते हैं, हम क्यों उनको रोकेंगे, हम रोकने वाले कौन होते हैं? दोनों भाइयों का आपस में ले लीजिए और बंटवारा कर लीजिए। लेकिन इसके लिए कोई मायने नहीं, और ये बेच दिए हैं, अगर रोड की ज़मीन बेच दिए हैं तो इनका कोई अधिकार तो था नहीं बेचने का, लेकिन जब बेच दिए हैं तो कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट का मैटर है तो पुलिस में उसका पुलिस में कोई काम तो है नहीं सर। दूसरी बात यह है कि हमने कैमरा लगवाया है, कैमरा हमने अधिकारी से पूछ के ही लगवाया था कि हम लगवा लें, क्योंकि हमारे ससुर जी का 2005 में मर्डर हो गया था और इन दोनों भाइयों में भी बहुत ज़्यादा बनती तो है नहीं। अभी मान लीजिए कोई भी बात हो गई, उन्हीं की हो गई या मेरी हो गई, तो कौन लेगा? क्या पुलिस इसके लिए तैयार है लेने के लिए? बार बार हमारे ऊपर ये दबाव बन रहा है कि हम कैमरा हटा लें, तो अगर पुलिस हमको ये कह रही है कि हम सुरक्षा देंगे तो हम कैमरा हटा लेंगे, लिखित हमको दे दे थाना अध्यक्ष जो भी हैं, मेरा उनसे सदा निवेदन है कि वो कैमरा हटाने के लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं?
ये हमारे डी जी का कहना है कि उनकी प्राइवेसी भंग हो रही है। अब ये बताइए आप अपने द्वार पर लगाए उनको क्या दिक्कत है? अब यही सोचिए कि सिर्फ द्वार पे तीन कैमरा मैंने लगाया हुआ है, एक मेन गेट पे, एक दूसरे वाले गेट पे, एक मैंने अपने रूम के सामने लगाया हुआ है, तीन कैमरे में। और मैंने ये भी कहा कि आप भी लगा लीजिए, अगर उससे मुझे आपत्ति होगी तो भाई फिर दिक्कत होगी। लेकिन वो ना लगा रहे हैं, ना रह रहे हैं, ना जीने आदमी कहता है ना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेलवा बिगाड़ेंगे। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि जब हमारा मैटर पूरा कोर्ट में चला गया है तो हम कोर्ट से ही अपना सारा कार्य करें। किसी दबाव में नहीं, किसी दबाव में हम नहीं आना चाह रहे हैं। रही बात कैमरे की, तो हमको लिखित दे दें, हमारे लिए दो ठो पुलिस घर पे छोड़ दें हमारी सुरक्षा के लिए, हम कैमरा निकाल देंगे। या फिर हमारे कोर्ट से लिखित हमको ला के दे दें वो कि हम सुरक्षा के लिए तैयार है, तो कैमरे की क्या बात, हम कैमरा निकाल देंगे। वैसे भी नेट का सब कुछ का खर्चा ही तो जाता है, सब बच जाएगा हमारा। मेन मामला जमीन का ही आपका? हाँ, भानु प्रताप राय। अच्छा, ये कैसा विवाद आप लोग का भाई भाई चल रहा है, क्या मामला? बस यही जमीन का विवाद है। हमको पता नहीं था, हमारे भाई जो है कि मतलब ये जमीन फरवरी दिसंबर में बेच दिए, हमको जानकारी नहीं हुई। और जब हमको जानकारी हुई तो हम उसमें आपत्ति किए, और अब वो मामला न्यायालय में चल रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो वो बंटवारा पहले से ही डाल रखे थे, वो 2019 अक्टूबर में बंटवारा डाल रखे हैं कोर्ट में, लेकिन जो है कि उसके बाद भी बेचे हैं ये, उसके बाद रजिस्ट्री किए हैं, ये तो गलत है ही। और ये हमको अब दबाव भी बना रहे हैं कि आप बांट लीजिए, और जो बेचे हैं वो कीमती ज़मीन की तरफ जो रास्ता है, जो पीच रास्ता, उसको दिखा के बेचे हैं, और उसको दबाव बना रहे हैं कि हमको जो है कि कम कीमत की जो ज़मीन है उधर आप लीजिए। और ज़बरदस्ती रोज पुलिस प्रशासन के जरिए जो हमको यहाँ दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, कैमरा लगवाया, कैमरा क्या दबाव हो रहा है आपका? कैमरा कह रहे हैं उतार दीजिए, मतलब कैमरा बताइए, सुरक्षा उससे होती है कि उससे सुरक्षा नहीं होती बताइए? और ये मतलब वही है कि दारू पीते हैं, दंगा करते हैं, यही सब करते हैं। चार लोगों को बुलाएंगे शहर में के हैं, दो चार ठो जो है कि चंगू मंगू हैं साहब। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग तो जो है लखनऊ रहते हैं। अच्छा। लेकिन जो है कि लॉकडाउन में अब यहाँ पे सब लोग फंस गए, और ये सब लोग अब गाँव में आए हुए हैं, तो अब कोशिश यही है कि जो थोड़ा सा ये कोरोना का कहर है तो जो थमे, तो आदमी अपना जाए, तब तक जो यहाँ है तो अब यहाँ पे चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। क्या चाह रहा है कोर्ट से जो फैसला आएगा? हम यही चाह रहे हैं कि हमको जो भी है कि हमारा बंटवारा जो है न्यायालय से हो, उससे सक्षम है। हाँ, उससे हम जो है संतुष्ट होंगे, और सही सही हो। और जब तक हमारा न्यायालय जो है सही तरीके से हमारा जो बंटवारा नहीं कर देता है, तब तक हम किसी दबाव में, हम सोच रहे हैं कि हम मतलब हमको किसी तरह का कोई दबाव न डाला जाए, और चाहे पुलिस प्रशासन के जरिए, चाहे अन्य किसी मतलब जो भी है, उस तरह से हमको दबाव न। उधरेश राजभर ने बताया कि हम सभी मनरेगा के तहत मजदूरी का कार्य करते हैं। ये खबर आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ से, जहां बरामदपुर के ग्रामीणों ने मनरेगा की मजदूरी ना मिलने पर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। कहा है कि प्रधान और सेक्रेटरी से बार बार कहने के बावजूद भी भुगतान नहीं कराया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि 2 मई से 23 मई तक लगातार चकमार्ग व पोखरे के खुदाई का कार्य किए, संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी के काम बंद कराने पर कार्य रोक दिए। सेक्रेटरी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा, अब तक भुगतान नहीं किया गया। लॉकडाउन के चलते हम मजदूरों का परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, प्रधान व सेक्रेटरी से बार बार कहने के बावजूद भी भुगतान नहीं कराया गया। आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हुए मजदूरी का भुगतान करने की मांग की है। इस मौके पर मनरेगा मजदूरों में पुरुष व महिलाएं उपस्थित रहे। बरामदपुर, क्या करते हैं? मनरेगा का काम कर जला। क्या मामला है जनसंख्या? मजदूरी सब कर साहब रुक लिया, बाद सेक्रेटरी साहब अलग आप मन 2 तारीख से काम भैल 23 ले, आज 23 तारीख के सेक्रेटरी साहब कहना कि काम बंद कर डाल, 29 के तोड़न के मजदूरी मिल जाएगी तो काम करिया। आज जब 29 के मजदूरी ना मिला ला, ऐसे रोज बहाला देते हुए कि आज मिली, बहने मिली, परसों मिली, ये करत करत तो हमने कहने कि ना हमने चलो साहब की यहाँ मजदूरी चाह जाते साहब, और का चाह जाते सेक्रेटरी कहा था कि वह आश्वासन रोज देते हुए कि नहीं 4 दिन पर मिली, 5 दिन पर मिली, 10 तारीख से कह ले साहब।
यह एक विश्वव्यापी सत्य है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां अवश्य होती है, लेकिन अगर व्यक्ति न सिर्फ उन कमियों को पहचाने बल्कि उन्हें स्वीकार करके अपनी कमियों को ही अपनी खूबी बना लेता है तो कोई भी उन्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। भयानक महामारी कोविड-19 रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भारत में अब इसके संक्रमण की रफ्तार तेज हो रही है। अपने शहर आजमगढ़ में भी संक्रमितों का रोज मिलना हमें डराता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सतर्क रहें, सावधानी बरतें, जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करें। बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले हाथों को अच्छे से साबुन या हैंड वॉश से साफ करिए और बार बार हाथों को मुंह, नाक और आंख पर ना लगाएं। इस महामारी से बचाव हित आज दिनांक 4 जून 2020 को सीपी यादव और गुलाब चौरसिया के सहयोग से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीडी सिंह द्वारा अपने घर के कोने कोने की साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रेड्डी सिंह ने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को इस वैश्विक महामारी से बचाने में सफल हो जाए तो आज के समय में इससे बड़ी कोई और देश सेवा नहीं हो सकती। अंत में डॉक्टर रेड्डी सिंह ने पूरे घर का सैनिटाइजेशन करने के लिए सीपी यादव और गुलाब चौरसिया को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। भारत रक्षा दल के नगर अध्यक्ष मनीष कृष्ण ने अपनी माँ की पुण्यतिथि पर अपने सभी भाइयों के साथ रक्तदान किया है। निराश्रित, अनजान, अपरिचितों और जरूरतमंदों के लिए मनीष कृष्ण अपने चार भाई और भतीजे के साथ ब्लड बैंक सदर अस्पताल पहुंचकर कुल 5 यूनिट का रक्तदान किया। मनीष कृष्ण ने बताया कि कोरोना महामारी में जहां लोगों को ब्लड की आवश्यकता है और ब्लड बैंक में ब्लड कम होने की वजह लोगों को ब्लड मिलने में दिक्कत हो रही है तो इस पर अपने परिवार में विचार करके अपनी माँ की पुण्यतिथि पर अपने भाइयों के साथ रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि आज वे 10वीं बार रक्तदान किए हैं। पहली बार रक्तदान एक अनजान व्यक्ति के लिए 20 वर्ष की आयु में अपना रक्तदान किया था। उसके बाद कारगिल दिवस पर, भगत सिंह के शहादत दिवस पर और अपनी शादी की सालगिरह पर पत्नी के साथ रक्तदान करते हैं। भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा, एक स्वस्थ व्यक्ति साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेट करने से खून फिल्टर होकर मनुष्य को स्वस्थ बनाता है, इसलिए हर आदमी को रक्तदान करना चाहिए। उमेश सिंह ने मनीष के परिवार के सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए सभी को बधाई दिया और कहा कि आपके इस कार्य से लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है और अपनों की स्मृति में रक्तदान करें जिससे दूसरों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। रक्तदान करने में संजय कुमार, सुधीर कृष्ण, अजय कृष्ण, महेंद्र कुमार शामिल रहे और साथ भारत रक्षा दल के साथी मोहम्मद अफजल एवं अमित वर्मा उपस्थित रहे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आज के संदर्भ में आप लोगों ने रक्तदान किया है। मेरा नाम मनीष कृष्ण, नगर अध्यक्ष भारत रक्षा दल। आज हमारी माता जी की पुण्यतिथि थी, उस पर हम सब परिवार जो अपने भाइयों के साथ ब्लड बैंक जाकर जो है वहाँ पे रक्तदान किया। कुल 5 यूनिट हम लोगों ने रक्तदान किया है। कोरोना की इस महामारी में जहाँ ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो ब्लड बैंक में हम लोगों को पता चला कि ब्लड की कमी है, तो हमने अपने परिवार में विचार किया कि जो है क्यों ना इस पुण्यतिथि पे माता जी के जो है वहाँ पर चल के ब्लड डोनेट किया जाए। तो सारे परिवार के भाई लोग तैयार हो गए तो हम सब भाई जो है एक साथ जाकर जो है वहाँ पर ब्लड डोनेट किए। आज आजमगढ़ से खबर है जहां विश्व पर्यावरण दिवस की एक दिन पूर्व से ही जन जागरूकता और बधाइयों के साथ हमें सामाजिक एकीकरण, स्वच्छ भारत, सर्वांगीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और धर्म जाति भाषा प्रांत से पहले अपने भारत देश को प्रधानता देनी है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमसा नदी सफाई, स्वच्छता एवं वृहद पौधारोपण महाअभियान को लेकर समस्त घाटों का निरीक्षण, पौधारोपण, पौधों की देखभाल तमसा परिवार द्वारा किया जाएगा। उक्त बातें अरविंद चित्रांश ने कही है। प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रांश के पर्यावरण संरक्षण महाअभियान के दौरान तमसा परिवार की महिला प्रमुख भाजपा नगर अध्यक्ष अर्चना वर्णवाल और तमसा परिवार के नंद बाबा नंद कुमार वर्णवाल ने सामूहिक रूप से कहा कि प्रकृति और पर्यावरण की चिंता करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन मानवता के प्रति एक ही पृथ्वी का सिद्धांत है। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया में 5 जून को आयोजित होता है, उसी तरह से दुनिया भर में कोरोना महामारी से मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हुए लॉकडाउन, सामाजिक दूरियों को ध्यान में रखते हुए हम सभी सामाजिक राजनीतिक लोगों को बढ़े रहें एवं मानवीय अवसाद के लिए प्रयत्न करना होगा। समस्त देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें सामाजिक एकीकरण, स्वच्छ भारत, सर्वांगीण विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निश्चित करते हुए इस वैश्विक महामारी को हराने के साथ साथ समाप्त भी करना है। आइए हम सब मिलकर
शपथ ले कि पर्यावरण को सुरक्षा हर हाल में करेंगे। पुनः विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई। नमस्कार। नमस्कार बंधुओं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमसा परिवार के द्वारा तमसा नदी की सफाई, नगर की स्वच्छता एवं बृहद पौधारोपण का निरीक्षण किया जाएगा एवं साथ साथ पौधारोपण भी किया जाएगा। आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों, इस मुहिम में शामिल हों, ताकि हम अपने नगर को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकें। हम आपको विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दीवारा जदीद को सभी सुविधाओं से युक्त कर सेवाएं प्रदान की जाने लगी है। पहले इसी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई भी सुविधा नहीं थी, जिससे ग्रामीणों को दवाओं और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पर निर्भर होना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें 15 से 20 किलोमीटर चलकर आना पड़ता था। वर्तमान समय में चिकित्सा अधीक्षक प्रवीण चौधरी ने केंद्र देखरेख में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प कर सभी सुविधाओं से लैस कर दिया गया है, जिससे अब ग्रामीणों को दवा और इलाज के लिए दरबदर नहीं भटकना होगा। वही ग्रामीणों में इससे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, तो ये राहत और संतोष भी दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गंभीरपुर की पुलिस ने एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना जीएनपुर पुलिस ने 4 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो थाना देवगांव की पुलिस ने चोरी की एक बोरी तंबाकू के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अगर वहीं बात करें थाना मेहनगर पुलिस की, तो पास्को एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार करने में यह पुलिस सफलता हासिल की है। और आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 44 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। और पुलिस महकमे से सबसे बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कल थाना जीएनपुर पुलिस ने 7 लाख रुपए की पुरानी नोट बरामद किया था, उसका आज पुलिस अधीक्षक ने उस मामले को संज्ञान में लेते हुए आज विधिवत जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक इस 7 लाख रुपए की पुरानी नोट की बरामदगी में, आपको सीधा सुनवाते हैं। के साथ कुछ लोग पकड़े गए हैं, अब तक क्या कार्रवाई के खिलाफ की गई है? देखिए, 3 लोगों के पास से हमको 7 लाख रुपए की पुरानी करेंसी मिली है। कुछ 500 रुपए के नोट्स हैं, कुछ 1000 रुपए के नोट्स हैं। ये पैसा कहां से लाया गया है, किसके पास ये था और कहां भिजवाया जा रहा था, और अल्टीमेटली इस पैसे का क्या होगा, इसकी विवेचना हमारे यहाँ चल रही है। मैंने विभिन्न एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी है, विवेचना में जो प्रगति होगी उसके बाद हम। जैसा कि आरोपी बता रहा था कि हम इसको कुछ परसेंटेज पे एक्सचेंज करने वाले थे और नेपाल से भी इसका तार को जुड़ा हुआ है, ऐसा बताया जाता है उनके माध्यम से। हाँ, ये पूछताछ में बता रहा था कि ये जितना अमाउंट है उसका 10% हमको मिलता, ये उसने बताया है। इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं।